गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 6 मल्टीप्लिकेशन। और आज हम इसमें करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट्स को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 456 बाय 6। आपको क्या करना है, 456 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 3 डिजिट नंबर को हमें 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स हमारे पास हैं, तो आप लोगों को पता ही है, 1 से, ये 10 से और ये 100 है। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1 हमारा होता है कि हमें वंस को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा वंस क्या है, 6। तो 6 वंस को मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6 6 36। तो हमारा ये आंसर 36 आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ लिखेंगे और 3 जो है वो हमारा यहाँ पे कैरी ओवर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 36। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और 3 हमारा कैरी ओवर जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में आप करेंगे टेंस को, यानी कि हमारे पास कितना टेंस है, 5 टेंस है। तो 5 टेंस को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 6 30, ठीक है। तो 30 का हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 भी कैरी है तो इसको हमें प्लस करना है। तो 30 में जब आप 3 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 33। तो आपके पास क्या हो गया, 3 आपको यहाँ पे लिखना है और आपको 3 वापस यहाँ पे कैरी ओवर देना है 33 का। अब आपको क्या करना है, स्टेप थ्री में आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो 100 कितना है, 400। तो 400 मल्टीप्लाई 6, तो ये कितना हो गया, 4 6 24, ठीक है। तो 6 4 24, और आपके पास यहाँ पे कितना था, 3। तो आप 3 इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे पहले। तो ये आपके पास हो गया 27। तो 27, अब आपको 7 लिखना है, आगे तो आप कैरी नहीं दे सकते, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे पूरा 27। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक और सम देखते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई करना है आपको 865 को 4 से। तो जैसा मैंने बताया था, आप 865 ऐसे लिखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1, 10 और 100 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप 1 में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 × 4, तो 5 4 20। तो 20 का हम 20 लिखेंगे पूरा, नहीं, हम क्या लिखेंगे, 0 यहाँ पे लिखेंगे और 2 ऊपर कैरी ओवर देंगे, ठीक है। फिर हमने जब इसको कर दिया, तो अब हमें क्या करना है, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 टेंस मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारा होगा 6 4 24। अब 24 में हमारा 2 जो है वो कैरी था, तो 24 में हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 26। तो 26 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 और 2 जो है वो कैरी ओवर जाएगा। अब जब ये हमारा हो गया टेंस वाला, अब हमें क्या करना है, 100 वाले को करना है, ठीक है। तो हमारे स्टेप 3 में 800 और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 को। तो 8 4 कितना हो गया, 32। और 32 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 34। तो अब हमें आगे किसी को बोरो नहीं कर देना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 34। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले वंस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर टेंस वाले को, फिर 100 वाले को, ठीक है।